हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नन अलाइडेड मूवमेंट, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पूरी जो दुनिया है ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी, तो उसी समय पांच देशों के नेताओं ने सोचा, कौन कौन से देश, भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना। इन पांच देशों के नेताओं ने ये सोचा, ना तो हम किसी ग्रुप्स के साथ जाएंगे ना तो हम किसी ग्रुप्स के खिलाफ जाएंगे। तो इन पांच देशों के नेताओं ने एक नई संस्था बनाई जिसका नाम रखा गुट निरपेक्ष आंदोलन नन अलाइडेड मूवमेंट, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और इस ग्रुप के वर्तमान में 100 से ज़्यादा देश मेंबर सदस्य हैं। और इसी की जो 2019 में शिखर सम्मेलन होने वाला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, ये आयोजित किया जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में। जो अजरबैजान देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बाकू और इसकी मुद्रा है मन्नत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दादू चौगले का निधन हुआ है, तो आपको बताना कि दादू चौगले कौन थे। तो दादू चौगले, जो कि भारत के एक जाने माने पहलवान थे, इनका निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। दादू चौगले, इन्होंने अपने करियर में बहुत से अवार्ड जीते थे, जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, रुस्तम हिंद केसरी, भारत महान केसरी, महाराष्ट्र केसरी, शिव छत्रपति पुरस्कार। तो ये पुरस्कार तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि दादू चौगले कौन थे। तो आपको याद रखना ये भारत के जाने माने पहलवान थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस फिल्म ने एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में पुरस्कार जीता है। तो एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में दो फिल्मों ने पुरस्कार जीता है, पहली है हिंदी फिल्म गली बॉय, दूसरी है नेटफ्लिक्स वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स। इन दोनों फिल्मों ने एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में पुरस्कार जीता है। जो गली बॉय फिल्म है इसके अभिनेता हैं रणबीर कपूर और अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। जो गली बॉय फिल्म है इसकी डायरेक्टर हैं जोया अख्तर। दिल्ली क्राइम, जो कि एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं रीड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना मोती किस देश में पाया गया है। तो दुनिया का सबसे पुराना मोती पाया गया है संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश की राजधानी अबू धाबी में, जिसका नाम रखा गया अबू धाबी पर्ल। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो ये मोती पाया गया है अबू धाबी शहर में, इसकी आयु यानी कि ये लगभग 8000 वर्ष पुराना है। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे पुराना मोती पाया गया है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, जिसका नाम रखा गया है अबू धाबी पर्ल। यूएई संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि यूएई देश से रिलेटेड है। जैसे यूएई देश ने यह घोषणा की है कि दुनिया का सबसे पहला जो कृत्रिम विश्वविद्यालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूनिवर्सिटी, एई यूनिवर्सिटी है, ये खोला जाएगा यूएई देश के द्वारा अबू धाबी शहर में, जिसका नाम रखा जाएगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी है ये खोला जाएगा यूएई देश की राजधानी अबू धाबी शहर में। अरब देश का पहला हिंदू मंदिर खोला गया है यूएई की राजधानी अबू धाबी में। और 2019 के जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स खेले गए ये भी खेले गए अबू धाबी शहर में। 2019 का जो अबू धाबी पुस्तक मेला था इसमें भारत को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। इसके अलावा अबू धाबी यूएई देश के एक व्यक्ति हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जिनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। ये अरब देशों से पहले व्यक्ति बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी अभी गए हुए थे। यूएई देश ने भारत को दो अवार्ड दिया, जिसमें से पहला है
ऑर्डर ऑफ जायद मेडल, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि यूएई देश का सर्वोच्च सम्मान है। और दूसरा पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ जायद सेकेंड अवार्ड, ये दिया गया है यूएई देश में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ जायद मेडल तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्डर ऑफ जायद सेकेंड जो मेडल है ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया भारत देश के यूएई देश में पूर्व राजदूत नवदीप सिंह सूरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉकहोल्म टेनिस ओपन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है, तो स्टॉकहोल्म टेनिस ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है डेनिस सापोवालो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो डेनिस सापोवालो हैं ये कनाडा देश के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने ही जीत लिया है स्टॉकहोल्म टेनिस ओपन 2019 का खिताब। जो स्टॉकहोल्म है ये स्वीडन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई जापान के ओकायमा शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान के किस शहर में, तो उत्तर होगा ओकायमा शहर में। अब हम देख लेते हैं कि G20 है क्या। जो G20 है ये 20 देशों का एक ग्रुप है, फोरम है, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन जितने भी देश आते हैं। तो इसमें ये हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को मिला के कहा जाता है G20 देश। ये G20 यानी कि इन 20 देशों का एक इंटरनेशनल फोरम है, उनकी सरकारों और उनकी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत सरकार और भारत की सेंट्रल बैंक RBI, इसी प्रकार इन 19 देशों तथा यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इन सभी के मिला के बनता है G20 फोरम। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, 2018 की जो G20 समिट थी ये आयोजित की गई थी अर्जेंटीना देश के ब्यूनस आयर्स शहर में, 2019 की जापान के ओसाका शहर में, जो कि इसी साल आयोजित की गई, इसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 2020 की आयोजित की जाएगी सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, 2021 की इटली में, और सबसे इम्पॉर्टेंट G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019 को किसने जीत लिया है, तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019 को पुरुष एकल में जीत लिया है केंटो मोमोटा ने, जो कि जापान देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में जीत लिया है ताई जू इंग ने, जो कि ताइवान देश की खिलाड़ी हैं। तो ये दो खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है, पुरुष एकल में केंटो मोमोटा ने जो कि जापान के खिलाड़ी हैं, महिला एकल में ताई जू इंग जो कि ताइवान देश की खिलाड़ी हैं। ये कौन सी प्रतियोगिता थी, तो इसका नाम है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019। जो डेनमार्क है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा का नाम है डानिस क्रोनी, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ही इस साल आयोजित किया गया C20 जलवायु शिखर सम्मेलन 2019। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया गया, तो पुलिस स्मरण दिवस प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को भारत के उन पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है जो सेवा करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं देश के लिए। तो प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है पुलिस स्मरण दिवस। अब आपको यहाँ से दो संस्थाओं के नाम याद रखना है, पहली है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, यह है दिल्ली में, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो कि 2019 में ही बना है ये भी दिल्ली में। तो ये दो संस्थाओं के नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये दोनों हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन को अब पर्यटकों यानी कि टूरिज्म के लिए, टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन, अब इसको खोल दिया गया है पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट लोगों के लिए, किसके द्वारा, भारत देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो सियाचिन है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई होगी 20,000 फीट, इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले जो सियाचिन ग्लेशियर था यहाँ पर पर्यटकों को जाना मनाही थी, लेकिन अब लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
सियाचिन क्षेत्र को पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। तो आपको याद रखना है सियाचिन को अब भारत सरकार के द्वारा के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पर्यटकों के लिए ओपन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 65th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी अभी 65th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं रौनक साधवानी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रौनक साधवानी जो कि भारत के 65th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो जो चेस होती है, शतरंज खेल होता है, उसमें उस साल की उम्र में कैटेगरी में पूरी दुनिया में जो खिलाड़ी का हाईएस्ट अवार्ड होता है उसको नाम दिया जाता है ग्रैंड मास्टर। और एक जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन फिडे के द्वारा। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है ये उस उम्र एज के जो खिलाड़ी हैं उनमें दिया जाने वाला हाईएस्ट टाइटल अवार्ड है। किसके द्वारा? फिडे के द्वारा। जो चेस है शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है फिडे, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर लाउजेन में। अब आपको भारत के एक खिलाड़ी का नाम और याद रखना है, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और इन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ। तो ये है विश्वनाथन आनंद की पुस्तक जो कि अभी अभी प्रकाशित की गई है। और विश्वनाथन आनंद भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीपल चॉइस अवार्ड 2019 में पीपल्स आइकन अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीपल आइकन अवार्ड 2019 पीपल चॉइस अवार्ड 2019 में दिया गया है जेनिफर एनिस्टन को जो कि अमेरिका की एक एक्ट्रेस हैं। जो पीपल चॉइस अवार्ड है ये अमेरिका देश में सिनेमा जगत में दिए जाने वाले सर्वोच्च श्रेणी के पुरस्कार हैं। तो आपको याद रखना है पीपल चॉइस अवार्ड में पीपल आइकन अवार्ड 2019 दिया गया है अमेरिका की एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जेनिफर एनिस्टन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए और कुपोषण को दूर करने के लिए भारत से किस संस्था ने फीड आवर फ्यूचर नामक अभियान को लॉन्च किया है? तो भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया फीड आवर फ्यूचर। किसके द्वारा? ये चलाया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसने फीड आवर फ्यूचर किस संस्था के साथ मिल के चलाया है? तो इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक संस्था है जिसका नाम है UFO जो कि डिजिटल मूवी पार्टनर बनाया है इन्होंने। तो आपको याद रखना है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए फीड आवर फ्यूचर नामक अभियान शुरू किया है UFO डिजिटल मूवीज के साथ मिलकर। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका डिजिटल पार्टनर होगा भारत में UFO कुपोषण को दूर करने में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। अब आपको यहाँ से दो संस्थाएं के नाम और याद रखना है। पहली संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। दूसरी संस्था है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। ये तीनों संस्थाएं खाद्य से यानी कि फूड से रिलेटेड हैं और इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में। ये जो कुपोषण है इसके लिए भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया था रेलवे के कि भारत का जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है जहाँ पर कुपोषण से लड़ने के लिए जो मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड है, उनकी जो डेटा है ये कलेक्ट कहाँ किया जाता है? तो इसके लिए एक संस्थान है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान है हैदराबाद शहर में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।
ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।